अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। आज हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हैं और स्टूडेंट्स के साथ खूब चैट करने वाले हैं, उनके साथ गेम शरेड्स खेलने वाले हैं और इस गेम को आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ, कहा जाता है कि जो सब्र है वो ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती होती है और जो आजिज़ी है वो कामयाबी की कुंजी है और सच्चाई कुरान की ज़ुबान है और दुआ मोमिन का हथियार है। तो इन चीज़ों पर अमल कीजिए, दुआ कीजिए, अच्छा अखलाक रखिए और आजिज़ रहिए, क्योंकि इसी तरह ही आजिज़ी ही इंसान को कामयाब करती है। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम कुछ गाने भी सुनने वाले हैं, कुछ टंग टेस्टर्स करवाने वाले हैं। तो आगे चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उज़ैर। आपका? अतीकुर रहमान। आप दोनों से एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? जी जी। वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करती है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। केटू? ओह नो, गलत। लफ्जों में ऐसा कौन सा लफ्ज है जो बहुत खतरनाक है? खतरनाक। चलो क्या शेयर करोगे? कुछ भी, मतलब की ना? मैं एक शेर सुनाता हूँ। शीशे की बोतल को कपड़ा मारो तो वो चमक जाती है, शीशे की बोतल को कपड़ा मारो तो वो चमक जाती है, लड़की को आँख मारो तो वो समझ जाती है। कोई हाल नहीं है। एक तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में लड़कियों का कॉन्सेप्ट ही खत्म नहीं होता, यहाँ पे नहीं है। क्या होता है? पूरे पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तानी वहाँ ही ऐसी है। कैसी है? लड़कियों के मामले में ना, लड़की हल्की सी लाइन करा दे लड़का पागल हो जाता है। ये पाकिस्तानी माम का लाइन कैसे करवाती है लड़की? लड़की बोले हाय, लड़का पागल हो जाता है। आपके शेयर करते सॉन्ग। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था ढूंढता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, ओ जब सहमे तन्हापन में तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है दिल। अभी हम इनसे शरेड्स गेम खिलवाने वाले हैं। आर यू इन? यस। चलो ठीक है, आप में से कौन एक्ट करेगा और कौन गेस करेगा? मैं एक्ट करूंगा, ये गेस करेगा। गेस कर लूंगा। आप गेस करोगे, चलें ठीक है जी। इनको मूवी का नाम बता दिया गया है। अच्छा, आप इन्हें पहले ये बताइए कि आप इन्हें मूवी जो गेस करवाने वाले हैं उसके वर्ड्स कितने? बोल। वर्ड्स 4 to 5 हैं जी। अब मज़ीद कुछ नहीं बोलना आपने, ठीक है? आप अपने चलें एक्ट स्टार्ट करें, आप गेस करें। ओके। हाँ, दूध। बोलना नहीं है, बोलना अलाउ नहीं है इस गेम। दूध। करैक्टर? ट्रैक्टर। करैक्टर? ट्रैक्टर। खिड़की। गड्डी तू लाया, तेल मैं पानी है। यह अच्छा, ये जो पीछे लोग खड़े हैं इन्होंने बिल्कुल नहीं बताना गेम का रूल है, क्योंकि उन दोनों को खेलने दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, तो ये दोनों जीत चुके हैं, मुबारक हो आप दोनों को। गिफ्ट ये मिलेगा कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि वाह आप जीत गए हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महनूर। महनूर, महनूर आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। महनूर मुझे ये बताओ आप क्या शेयर करोगे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी शेयर करो। यूनिवर्सिटी शेयर कर लेते हैं। अच्छा चलो, सब यूनिवर्सिटी कैसे शेयर करते हैं मुझे तो नहीं पता, यूनिवर्सिटी कैसे शेयर करते हैं? आपको लोगों से मिलवाते हैं। नहीं, वो तो मैं हर किसी से मिल रही हूँ, मैं मिलती रहती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि एक कटोरी में दो रंग हैं, वाइट और येलो, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अंडा। बिल्कुल ठीक। खाना पका लेती हूँ। हाँ जी। क्या शेयर करोगी, कौन सी रेसिपी? नहीं कोई भी नहीं, मैगी की कर देती हूँ। मैगी सबको बनानी आती है। अच्छा, अंडा बॉईल करना सीख। वो भी सबको आता है। और बस गाना गा लेती हूँ। गाना है? गाना गाओ। मैं गाऊँ? माइक पकड़ो और गाना गाओ।
तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आपका नाम? ज़ुनूरैन। आपका? रेहान। आप दोनों मुझे ये बताओ कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, दिमाग कितना काम करता है और अकल कैसी है, लाइक नॉलेज कैसा है? दिमाग पढ़ाई में काम करता है, जनरल नॉलेज पढ़ाई में करता है ना, तो अच्छी बात है, आपका पढ़ाई में ही काम करना चाहिए, मैंने कब कहा किसी और काम में करे। आप बताओ आपका दिमाग कैसा? ठीक है। लफ्ज़ों में सबसे ख़तरनाक लफ्ज़ कौन सा है? सॉरी वर्ड सबसे ख़तरनाक है, सबसे अच्छा वर्ड लगता है। देखो आप बाजू का तलबगार होते हो कि कोई हमसे सॉरी कर ले, माफ़ी मांग ले, दिल के भरास जो है ना वो ख़त्म हो जाती है किसी हद तक। आप क्या कहते हो? हाँ जी सॉरी, बस ठीक है, सॉरी नहीं है। ये खतरनाक बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है ना, सॉरी खतरनाक कह दे तो खतरनाक है, हम नॉर्मल इंसान कह दे तो फिर डॉक्टर कह दे आई एम सॉरी तो वो उसका यही मतलब है कि दुनिया से रुखसत हो गया बंदा। हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। चलो आप दोनों से भी एक गेम करवा लेते हैं, शेरेड्स गेम है, कौन एक्ट करेगा कौन गेस करेगा? मैं गेस करता हूँ। आप एक्ट करें? हाँ जी मैं एक्ट करूँगा। ओके जी, तो जी अब ये करवाएंगे इन्हें गेस और ये एक्ट करेंगे ये गेस करेंगे, आप ज़रा थोड़ा इधर आ जाइए। चलें जी, दोबारा करिए, कमर लग 20 लग 28 कुड़ी का। बिल्कुल ठीक गेस किया है जी, मुबारक हो। अब आप गाना सुना दें क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक्ट किया है। गाना गजल सुना दें। मोहब्बत रोग है जाना, अजब संजोग है जाना, बड़े बूढ़े बताते थे बड़े किस्से सुनाते थे, मगर हम मानते कब थे ये सब कुछ जानते कब थे, हमें इतराक ही कब था हमें कामिल भरोसा था, हमारे साथ किसी सूरत भी ऐसा हो नहीं सकता, हमारा दिल कभी काबू से बाहर हो नहीं सकता, मगर फिर यूं हुआ जाना न जाने क्यों हुआ जाना, जिगर का खून हुआ जाना तेरे लफ्ज़ों की आहट पर, गुलाबी मुस्कुराहट पर, तेरे सर के इशारे पर, निगाहें कातिलाना पर, जफाए मर्दफाना पर, सखावत करने आए थे साइल हो गए हम भी, बड़े बूढ़ों की उन बातों के कायल हो गए हम भी, तेरे लफ्ज़ों की नरमी से गायल हो गए हम भी। शुक्रिया। ठीक है जी, आप क्या शेयर करो? मैं कुछ भी नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आशिर हुसैन। अब्दुर्रहमान। आप दोनों मुझे ये बताओ कि माउंटेन रेंज ऐसी कौन सी है जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करती है? माउंटेन रेंज ऐसी कौन? कोई हिमालय? नो, कुरे करम। सोच लो। कंफर्म नहीं है, तुक्के लग रहे हैं यहाँ पे, अच्छे खासे तुक्के लगाए जा रहे हैं। है जो गिलगित बल्तिस्तान का वही है, मैं कुराए करम कन्फर्म। कुराए करम कौन सी है? करा करम तो मैंने सुना था, ये कोहा करम नहीं, ये कोहे करम क्यों? आप कौन सी, आपका सेमेस्टर कौन सा है? मेरा प्रोनंसिएशन में ऊपर थोड़ा बहुत नीचे हो गया। थोड़ा बहुत नहीं था, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे। जूनियर है ना, फर्स्ट सेमेस्टर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छे कॉलेज में शायद आप नहीं पढ़े होंगे। आप बताओ कि आप दोनों से भी गेम करवा लेते हैं शेरेट्स, कौन एक्ट करेगा कौन गेस करेगा? कौन करेगा? ये करेगा, गेस मैं करूँगा। ठीक है। अच्छा जी, तो इनको सॉन्ग बता दिया गया है और ये एक्ट ये गेस करेंगे, तो देखते हैं कि ये जीत पाते हैं कि नहीं। अरे कुछ बोल लो। एक मिनट, नो आई नहीं गैस हो। नो आइडिया। आप कर ही नहीं रहे, आपको तो गेम भी नहीं खेलनी आती। अच्छा जी, क्या था भला? जो तू ना मिला मुझे तो। अब करके दिखाओ आप कैसे कर रहे थे। ये था जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना। बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने एक्ट किया, आपने गेस नहीं ठीक किया। अच्छा आप क्या शेयर करोगे? मैं एक शेयर करना चाहूँगा।
ये जो दिल को कबूल होते हैं इनके पत्थर भी फूल होते हैं। क्या बात है, आप क्या शेयर करोगे? मैं भी पोइट्री शेयर करूँगा कि माना कि तेरे दिल में कोई और मकी है, तू फिर भी मेरा दिल है, अकीदा है, यकीन है, और ये आईने तुझे तेरी खबर दे ना सकेंगे, आ देख मेरी आंखों में तू कितनी हसीन है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ना मरी ना सवात मिलसूँ, जिंदगी रहेगी तो ढोला मुल्तान मिलसूँ। कजिला सवेरा मेरा तन बरसे, कजिला अंधेरा तेरी धरती लो, कतेरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मौला। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। जी, एक जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और वो क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ कि लैंड ऑफ रैबिट्स किस मुल्क को कहा जाता है, और ये स्टूडेंट्स वगैरह से पूछा जाएगा, और कुछ उनमें टैलेंट्स हैं वो जांचने की कोशिश की जाएगी, शेरेड्स गेम भी खेली जाएगी, तो आप लोग खूब इंजॉय करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। हर रंग में है लाखों खुशियां, खामोशियों में भी इसकी एक शोर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली रफीक। आपका नाम? नईम यासीन। फ्रेंड्स हो दोनों? हाँ जी। कितने क्लोज फ्रेंड्स हो? दो सालों से क्लोज। दो साल से हैं। अच्छी दोस्ती में क्या चीज़ बहुत ज़रूरी होती है? मुखलिसपन, मुखलिसान। आप क्या समझते हो अच्छी दोस्ती में? यह कि सिंसियर होना चाहिए और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सही है। आप दोनों से मैं एक सवाल पूछती हूँ, ऐसे कौन सी माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करती है? सॉरी ऐसी माउंटेन रेंज जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट कर देती है? शाह कराकोरम। बिल्कुल ठीक आंसर किया इन्होंने। आप दोनों से मैं अभी गेम गेम खेलते हैं शरेड्स, ठीक है? एक्ट कौन करेगा, गैस कौन करेगा? गैस वो कर रही हो आप, क्या कहते हैं? ये एक्ट करेंगे मैं, उसको जो है ना। अच्छा जी, ये गैस करने वाले हैं, ये एक्ट करने वाले हैं। अच्छा जी, इनको गाने का बता दिया गया है, अब ये करने जा रहे हैं एक्ट और ये करेंगे गेस, देखते हैं ये जीत पाते हैं कि नहीं। इनकी दोस्ती कितनी पक्की है, आज इनकी दोस्ती का अंदाज़ा हो जाता है कि कितने इशारे एक दूसरे के समझते हैं। चलें जी। ऐसा ऐसा नज़रों में देखो। ऐसा ऐसा प्यार हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आँखों से आँखें मिलाओ। अच्छा, ये आप बहुत करीब हैं, बहुत करीब हो, आप कर सकते हो गैस। आप थोड़ा डिफरेंट एक्ट करो ना। धीरे धीरे से प्यार हो जाएगा। नाम बोल दिया इन्होंने, अब पता लगा। हाँ जी, रफ्ता रफ्ता आंखों में देखो। अभी भी नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? गेम का ही रूल है कि आपने बोलना नहीं है। नजरें मिलाओ। Once again. रफ्ता रफ्ता आंखों में देखो। जो देखने वाले ना उनको पता लग गया होगा ये गाना कौन सा है। अच्छा आप बताओ, अभी चूंकि हार चुके हैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता। रफ्ता रफ्ता मिली तुमसे नज़र, ये गाना। अब आप ये गाना सुना दो। मैं मुल्तान से हूँ तो मैं मुल्तान से ही गाना गाऊंगा, मुल्तान का सराइकेला। माइक पकड़े और गाना सुना। ना मरी ना सवात मिलसूँ, जिंदगी रहेगी तो ढोला मुल्तान मिलसूँ। शेयर करोगे? नहीं कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? आफिस तासवीन। क्या कौन से सेमेस्टर में हो? फिफ्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ सेमेस्टर में हो, आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, लफ्ज़ों में सबसे ख़तरनाक लफ्ज़ कौन सा है? मौत। नहीं, लफ्ज़ों में सबसे ख़तरनाक लफ्ज़ नहीं, आइडिया नहीं पता।
चलो ऐसा माउंट ऐसी माउंटेन रेंज जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करती है। आइडिया तो नहीं है, मेडिकल का स्टूडेंट हो बेसिकली, मेडिकल के स्टूडेंट हो, सही है। तो फिर कोई टिप शेयर करो मेडिकल से रिलेटेड, क्या सीखा अभी तक, क्या पढ़ा है, कोई हमारे लिए कुछ है बताने के लिए आपके पास? फिलहाल तो नहीं है, अभी तो सीख रहे हैं। गाना गा लेते हो? गाना गा लेते हो। अच्छा आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप तो आप गाना कैसे गा लेते हो हैं? अच्छा चलो खैर, पैशन है, पैशन है सिंगिंग। कौन सा गाना सुनाने वाले हो आप हमें? क्योंकि हाफिज हूँ तो मैं आपको कुन फाया कुन सुनाऊंगा। कुन फाया कुन। रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन, दे दे रंगा है चाहे तन चाहे मन। रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन, दे दे रंगा है चाहे तन चाहे मन। कजिला सवेरा मेरा तन बरसे, कजिला अंधेरा तेरी धरती लो, कतेरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मौला। कुन फाया कुन, 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 फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। सदकल्लाहुल अलीउल अजीम। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा गाया आपने। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? महनूर इमरान। आपका? खदीजा इमरान। आप दोनों से एक सवाल करती हूँ। सवाल ये है कि लफ्ज़ों में सबसे ख़तरनाक लफ्ज़ कौन सा है? सीन। सीन कैसे? कैसे बताओ। सोच रही हूँ, सोच रही हूँ। लोग खतरनाक है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लफ्ज़ है। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। आप दोनों मुझे ये बताओ कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करती है? सेपरेट, हर तरह से सेपरेट है, बॉर्डर के दरमियान। माउंटेन रेंज तो नहीं है ना? नहीं है ना, तो है, 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 है। जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करती है। अच्छा आप दोनों में टैलेंट्स क्या हैं? मेरे में, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। मैं स्केचिंग ड्राइंग वगैरह करती हूँ। गाना गा ले तो आप दोनों में से कोई? ये गाती है? नहीं, ये सोच ले कौन गाता है। वो कहते गेम करवानी है, शरेड्स, शरेड्स खेलना चाह रहे हैं। कौन एक्ट करेगा, कौन गेस करेगा? मैं एक्ट करूँगी, ये गेस करेगी। इनको गाना बता दिया गया है और ये एक्ट करेंगी, ये गेस करेंगी, देखते हैं ये जीत पाते हैं कि नहीं। इनकी दोस्ती का अभी अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के इशारे कितने समझती हैं। वैसे लड़कियां समझ बहुत जल्दी लेती हैं, पता लग जाता है। जैकेट। दिल। नीली। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। ब्लैक। काला। काले बाल। बारी चावा। तुम मैं। कोट। काली। बाल। काली बाल। काले हेयर्स। काले हेयर्स कौन सा गाना है मुझे ये बता दो। काले हेयर्स कौन सा गाना है? बोलना, मैं बोल सकती हूँ, आपको किसने कहा है बोलने को? तुम कोई कोई और वर्ड बता दे आप इन दोनों से हट के। काली जुल्फे, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो।
फाइनली अच्छा जी ये गाना था काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, तो ये काली का अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों से गेम के लिए, मजा आया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद मुबीन। आपका? फहद। आप दोनों मुझे ये बता दो कि एक कटोरी में दो रंग सफ़ेद और येलो क्या होगा? एक कटोरी में दो रंग, एक कटोरी में नहीं पता। आपको भी नहीं पता? सफ़ेद होगा, आई थिंक सो। एक कटोरी में दो रंग सफ़ेद और पीला क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? अंडा, अंडा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। लैंड ऑफ रैबिट्स किस मुल्क को कहा जाता है? लैंड ऑफ रैबिट्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया और इटली। क्या शेयर करोगे? मैं एक गज़ल सुनाना चाहूँगा जो मैंने खुद लिखी अपनी। जागना और जगाकर सो जाना, जागना और जगाकर सो जाना, रात को दिन बनाकर सो जाना, देखना क्या वो लाइन है, देखकर मुस्कुराकर सो जाना, तमाम रात टेक्स्ट करना और उंगलियों को दबाकर सो जाना, जब डर लगे तो तुम मेरे ख्वाब में आना और आके सो जाना, जब डर लगे तो तुम मेरे ख्वाब में आना और आके सो जाना, शायरी फलसफा मोहब्बत दोस्त चाय पीना और पिलाकर सो जाना, दोस्त चाय पीना और पिलाकर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपके शेयर करोगे? मैं सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, साहिल पे खड़े। बहुत अच्छा गाना गाया आपने, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हंस खोले ने तेरियां यादा ने, आ मिल सजना फरियादा ने, तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना, दोस्ती मुझसे है और प्यार कोई और है ना, तुम जो हर रोज नए हुस्न पे मर जाते हो, तुम मुझे बताओगे इश्क है क्या? ब्रेक के बाद आपको आपके फेवरेट शो हम और आप में खुशामदीद कहूंगी। यहाँ जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये पूछने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करती है। वैसे तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, इनको पता होना चाहिए, लेकिन अभी पता लग जाता है इनको ये पता है या नहीं, आइए देखते हैं। हर रंग में है लाखों खुशियां, खामोशियों में भी इसकी एक शोर है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हामिद। हामिद, हामिद बहुत खुश दिखाई दे। ये हालात ही ऐसे हैं, हम आर्किटेक्ट के हैं ना, तो खुशी हमारे चेहरों से बयान होती है। अच्छा, आर्किटेक्ट के लोग इतने खुश क्यों होते हैं? क्योंकि ये ज़िंदगी के सताए हुए क्योंकि हमने इधर 5 साल जलील होना है, ख्वार होना है, तो इसलिए 5 साल इधर रहना, और खुशी से जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जलील तो किस्मत में है। जलील? अच्छा, इनका कहना कि जलील होना इनकी किस्मत में। अभी तक आप कहाँ कहाँ से जलालत आपको मिली है? फिलहाल तो हमको दुदकारा जा रहा है तरह तरह से, जैसे कि हम क्लास के, हमारी क्लास फाइनलाइज नहीं होती, कहीं और क्लास चले जाओ, कहीं और जलाए, यही जलालत आम रूटीन पे हमें फेस करनी पड़ती है, जो हमें करनी पड़ती रहेंगी। चलो आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, किस मुल्क को लैंड ऑफ रैबिट्स कहा जाता है? लैंड ऑफ, कॉमन सेंस की बात कर रही है, कॉमन सेंस तो हमारे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो भी मैंने आपसे पूछा है। दोबारा कीजिए क्वेश्चन। किस मुल्क को लैंड ऑफ रैबिट्स कहा जाता है? लैंड ऑफ रैबिट्स, आप नो। एक पहेली पूछ लेते हैं आपसे। पहेली है कि एक कटोरी में दो रंग हैं, सफ़ेद और येलो, क्या है? वो दोनों रंग सेपरेट हैं, एक कटोरी है उसमें दो रंग हैं, येलो
और वाइट, लेकिन दोनों सेपरेट है, आपको अलग अलग से दिखाई देंगे। नॉर्मली ऐसा होता है ना, रंग मिक्स हो जाते हैं, ये मिक्स नहीं होगा। अच्छा, पहेली है, इसको गेस करें। पहेली ये है कि आप हमसे कोई नक्शा वगैरह बना लें, नक्शे वगैरह बना लें हमको ये पहेलियाँ, क्योंकि हम दुदकारे हुए लोग हैं, हमने यहाँ नक्शे बना लें, कोई डिज़ाइन करवा लें, वो करवा लें, ये इसके काम, इस तरह के काम हमसे नहीं होते। आप एक गाना सुना दो। गाना सुना देते हैं। गाना कौन सा सुनाएं? गाना चलो, हंस खोले ने तेरिया यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने, तेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लब्बे आए, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, असा सारा जमाना लब्बे आए। जबरदस्त जी, अच्छा गाना गाया इन्होंने, बहुत शुक्रिया जी बात करके, आपसे अच्छा लगा। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नमल। आपका? फरहीम। नमल फरहीम, कब से दोस्ती है आपकी? 2 months हो गए। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल पूछती हूँ कि मोंटेसरी लेवल ऑफ एजुकेशन का पता है आपको क्या? नहीं। ये हाल है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का। गेस करो, पहेली है, एक कटोरी में 2 रंग पीला और सफ़ेद, क्या बना? वाइट ही होगा, येलो टाइप वाइट होगा। वाइट हो, वही कह रही हूँ, येलो और वाइट। दोनों येलो कलर भी मिक्स नहीं है, एक कटोरी में दोनों है लेकिन मिक्स नहीं है, और बताओ ये क्या चीज़ हो? येलो भी है और वाइट भी है, है पानी। अब सब कुछ मैं ही बता देती हूँ। येलो। अच्छा, लड़कियों को तो वाइट और येलो सुन के पता लग जाना चाहिए क्या चीज़ है। आइडिया। चलो जी, आपसे एक गेम करवा लेते हैं, शेरेड्स, ठीक है? कौन गेस करेगा, कौन एक्ट करेगा? मैं गेस करूँगी। आप एक्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको एक्ट करना चाहिए। हाँ, ओके। आप गेस करें, ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, इनको गाना बता दिया गया है कौन सा है, अब ये एक्ट करेंगी और ये गेस करेंगी। चलें जी। दिल दिल क्या? हाँ, दिल, हाँ दिल, ये क्या? कह रही है नहीं समझ आ रही, दिल, दिल को करार आया। Yes, जी, दिल को करार आया। वैसे इसको कैसे एक्ट करना चाहिए था इन्हें? आपको समझ आ जाता? पता नहीं। चलो जी, लेट समझ आया लेकिन आ गया है। अब आप बताएं, आप क्या शेयर करेंगी? मैं हेयर टिप शेयर करूंगी कि जो बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं उनके लिए आप एग लें और उसमें थोड़ा सा ऑयल, और जिनके बाल कम होते हैं उसमें वो थोड़ा सा ऑनियन का पानी डाल लें, तो वो आप 1 या 2 hours के लिए अपने हेयर में लगाएं और फिर बाद में उसको वॉश। तो जो प्याज की स्मेल है वो कैसे ख़त्म होगी? उसमें आप लीमू ऐड कर लें, लेमन के ड्रॉप्स ऐड कर लें थोड़े से, तो वो स्मेल ख़त्म हो जाती है उसकी। अच्छा जी, ऑयल लेना है, उसमें एक अंडा शामिल करना है और साथ प्याज को ऐड कर देना है, और एक अच्छा सा टोटका आपके बालों के लिए बन जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल असलम। बिलाल असलम, बिलाल आप कौन से सेमेस्टर में हो? मेरा 7th ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो 8th मेरे ख्याल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि यूनिवर्सिटी लाइफ इनकी कंप्लीट होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, 8th सेमेस्टर में ये पहुंचने वाले हैं, और यूनिवर्सिटी में 8 semester ही होते हैं, BS ऑनर्स कर रहे होंगे। तो कैसा रहा आपका यूनिवर्सिटी का सफ़र? थ्रो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं कहता हूं कि आप अगर यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं गुजारते तो मेरे ख्याल से आपको एक मैनेजमेंट नहीं आती, और आपको
कुछ तौर तरीके जो आपको लोग सिखाते हैं या यूनिवर्सिटी में आकर सीखते हैं मेरे ख्याल से बाहर आपको नहीं मिलते। और एक ख़ास तौर पे हॉस्टल लाइफ जो गुजारी है वो आपको बहुत मैनेजमेंट सिखाती है, तो मेरे ख्याल से कि यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए हर किसी को। जो हॉस्टलाइज होते हैं लड़के, अमूमन उन्हें खाना पकाना आता है, आप क्या पका लेते हैं? मैं खुद आपको बताऊं, मैं इरास्मस स्टूडेंट था, तुर्की में गया था, मैं खुद रोटियां बनाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर मेहमान आ गए काफ़ी दोस्त से, तो लिटरली मैंने 34 रोटियां खुद बनाई थी और मैंने खुद लगाई थी रोटियां, मतलब खड़े होके। तो मतलब रोटियां बनाता था, बाकी दोस्त से वो मिलके खाना बनाते थे, कुछ बर्तन साफ़ करते थे। तो मतलब इस तरह से लड़के काम कर लेते हैं, इसमें कोई आर नहीं है। जब सर पे पड़ती है तो काम कर लेते हैं। अच्छा, खाना क्या अभी कौन सी रेसिपी शेयर करने वाले? रेसिपी मैंने तो अभी तक कोई नहीं बनाई, लेकिन मैं चाय वगैरह बनाता था तो, या फिर मैं रोटियां बनाता था। मेरी रोटियों और पराठों की वो ड्यूटी थी, मैं पराठे बनाता था या रोटियां बनाता था। शहरी में पराठे होते थे। और कैसे बनाते हो? पराठा बनाता था पहले, बना के उसको अच्छी तरह पेड़ा बना के उसको फिर उसके साथ बेल के उसके बाद फिर लगा के आयल लगाता था ऊपर, फिर दूसरी साइड पर आयल लगा के इस तरह अच्छी तरह पका के फिर कर लेता था मैं। चलो आप मुझे ये बताओ कि गाना गा लेते हो? गाना नहीं, मैं पोइट्री करता हूँ, कुछ जो शेर है मैं खुद भी लिखता हूँ। तो चलें जी, पोइट्री इनसे करवाई जाएगी, लेकिन इससे पहले इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इनके तकरीबन 4 साल कम्प्लीट होने वाले हैं, तो इनको इस चीज़ का पता है कि नहीं, मोंटेसरी लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सी होती है? कौन सी? मोंटेसरी लेवल ऑफ एजुकेशन। मोंटेसरी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होती है? मोंटेसरी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होती है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं वर्ड पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। एक कटोरी में 2 रंग हैं, येलो और सफ़ेद, क्या कहलाएगा? एक कटोरी में 2 रंग, एक पहेली है, ठीक है? हाँ, क्या बना? और है ना, दोस्ती मुझसे है और प्यार कोई और है ना, तुम जो हर रोज नए हुस्न पे मर जाते हो, तुम मुझे बताओगे इश्क है क्या? वो जो तेरे हुस्न पे मरते हैं बहुत से होंगे, पर तेरे दिल का तलबगार कोई और है ना। और इस्लामी पोइट्री है, वो भी सुना सकता हूँ। तेरे पाक नाम पे ए खुदा, तेरे पाक नाम पे ए खुदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा, तेरे दर पे लाखों अग्निया, तेरे दर पे लाखों अतकिया, तेरे दर पे लाखों सूफिया, तेरे दर पे लाखों औलिया, तेरे दर पे जो गिड़गड़ाते रहे सदा, तेरा वीद फिर भी न खुल सका, बोला मेरी बंदगी तेरी आरज़ू, वल्लाहु जल्ला जलालुहु, मौला तू हन्नान है तू मन्नान है, सबसे ऊंची तेरी शान है, कुल्लू मन अलैहा फान है, वयबगा रब्बुर रहमान है, रह जाएगा इक तू ही तू, वल्लाहु जल्ला जलालुहु, मौला तू लाजवाल है नहीं तेरा कोई अहलो अयाल है, है तू अपनी मिसाल आप, मौला मेरी बंदगी तेरी आरजू, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मौला मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है, हर सुबह अजल है तेरी हम्द में मसरूफ, एक जौके नजराम दिखाता तू है, अदना है कोई याला हबशी है या करशी, हर एक कुर्बत में बिठाता तू है, लिखे जो जमीन पर कभी उम्र नबी के, कुरान के अहकाम बनाता तू है, पड़ जाए जिस वक्त मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है, अदना है कोई याला हबशी है या करशी, हर एक कुर्बत में बिठाता तू है। माशाल्लाह, ठीक है जी, अच्छी शायरी की है आपने, और जो इस्लामी शायरी की है वो भी अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था, उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके मैं आंसर्स आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करती है, वो है कोहे कराकरम, शाराए कराकरम। और सबसे लफ्ज़ों में ख़तरनाक तरीन वर्ड इटसेल्फ, ख़तरनाक वर्ड है जो सबसे ख़तरनाक है। और एक प्याली, एक कटोरी में 2 रंग, सफ़ेद और पीला, क्या हो सकता है? ये है अंडा। लैंड ऑफ रैबिट्स कहा जाता है स्पेन को। सवालात के जवाब मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए।
मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।